हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर तथा तीन पार्षदों को निलंबित करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने कहा कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार के सभी निर्णय तानाशाही पूर्ण है। इससे ये साबित होता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार उसी तरह तानाशाही पूर्ण काम कर रही है जैसा आज से 46 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी ने जून माह में आपातकाल लागू किया था। भाजपा जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि ये कांग्रेस की बौखलाहट ही है कि उन्होंने चुनी हुई मेयर तथा पार्षदों को निलंबित करने को अलोकतांत्रिक काम किया है। भाजपा उसकी निंदा करती है। भाजपा जिला महामंत्री संपत पोत्रा ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में दलितों तथा महिलाओं पर दिन दोगुनी तथा चौगुनी रात से अत्याचार बढ़ रहे हैं। भाजपा जिला प्रवक्ता एवं जिला मीडिया प्रमुख ललित बोत्रा ने बताया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि पार्टी न्यायालय में लड़ने के साथ साथ सड़कों पर भी उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। बोत्रा ने बताया कि उक्त प्रदर्शन कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, जिला महामंत्री संपत बोत्रा तथा स्वरूप सिंह खारा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एडवोकेट स्वरूप सिंह राठौर तथा दिलीप पालीवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा, नगर अध्यक्ष सुरेश मोदी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह भादु, महिला मोर्चा अध्यक्ष राधा रामावत, पृथ्वी चंदक, अनीता चौहान, रमेश शर्मा, राजूदास भील, गिरधर सिंह कोटड़ा, हरी सिंह राठौड़, खीम सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।